मेरी मादा खरगोश के 5 बच्चे हैं। 5ों बच्चे अब मादा खरगोश से दूर होते चले जा रहे हैं। कारण यह नहीं कि उनकी पेरेंटिंग करने के लिए सुलभा जी हैं। कारण यह कि इन बच्चों के दांत बड़े हो गए हैं और मादा खरगोश हमेशा डरी हुई रहती है। यद्यपि उसे भरपूर मात्रा में मिल्क निकलता है, इस समय इन खरगोशों की उम्र 25 दिन हो चुकी है और ये खासे समझदार भी हो गए हैं। ये अपने पेरेंटिंग करने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वो जहाँ स्थायी रूप से बैठ जाता है उसके आसपास घूमते हैं। देखिए किस तरह से चढ़ गया है उनके कंधों के सहारे सोफे के ऊपर वाले हिस्से पर और उछल कूद धमा चौकड़ी बाकायदा कर रहा है। और इसके अलावा भी दूसरे खरगोश भी उधर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। 2 अन्य खरगोश आपको जो इस वीडियो में नहीं नज़र आ रहे हैं, वे कहीं ना कहीं आराम करते या मस्ती करते नज़र आ जाएंगे। लेकिन अभी मैं यहाँ यह बताना चाह रहा हूँ कि यह एक इमोशनल रिश्ता कायम कर लेते हैं और बहुत जल्दी 15 से 20 दिन की अवधि में इनके दांत पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं और वे जब किसी भी मदर के यानी खरगोशनी के ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो खरगोशनी को तकलीफ होती है, मादा खरगोश को तकलीफ होती है। इसलिए खरगोशनी यानी मादा खरगोश इनसे डिटैच रहना पसंद करती है। और इधर बच्चे अपने पेरेंट के रूप में, अपने गार्जियन के रूप में, जो उन्हें पालता है या जो उन्हें नियमित खिलाता है, उनके पास में जाकर बैठते हैं, उनके साथ मस्ती करते हैं और अपनी सारी बात कह देते हैं। इसी तरह से ही ये खरगोश अपने पेरेंट के पास बैठकर बहुत मस्ती करते हैं उसके इर्द गिर्द ही। वो बॉन्डिंग बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, इनका रिश्ता बहुत जल्दी कायम हो जाता है। अब देखिए आप, एक खरगोश कंधे से चढ़ रहा है तो बाएं हाथ का खरगोश जो है वो तकिए के सहारे सोफे के ऊपर वाले हिस्से पर जाना चाहता है ताकि वह उस सोफे पे चहलकदमी कर सके। 25 दिन की उम्र के ये नन्हे खरगोश अपनी उम्र के अनुपात में समझ जल्दी विकसित कर लेते हैं और वे खेलना भी चाहते हैं, मस्ती भी करना चाहते हैं और हमेशा अपने पेरेंटिंग करने वाले व्यक्ति के इर्द गिर्द रहना पसंद करते हैं। आपने देखा कि 3 खरगोश ऊपर हैं और 4था खरगोश ऊपर चढ़ने की जुगत में लगा हुआ है और किसी भी तरह से वे अपने पेरेंटिंग करने वाले के नज़दीक ही बने रहना पसंद करते हैं, जबकि वे अपनी माँ के पास, जो बायोलॉजिकल मदर है, उसके पास नहीं रुकते हैं। ये इमोशनल इशू है।